फॉरगॉटन मैन बिहाइंड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर हम सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को स्टडी करेंगे, और इस एक्ट को इसलिए स्टडी करेंगे क्योंकि इसने पहली बार हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया, और इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने वाले लॉर्ड कैम्फोर्ड और एडविन सैम्यूल मॉन्टेग्यू थे। और इस एक्ट की एक और इम्पोर्टेंस थी कि इसमें एक प्रोविजन थी जिसके अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को 10 साल से बाद रिव्यू किया जाना था कि इसने कैसे फंक्शन किया है, लेकिन अंग्रेजों ने इसको 10 साल से पहले ही रिव्यू करने का फैसला ले लिया और जॉन साइमन के अंडर एक कमेटी बिठाई जिसमें सभी अंग्रेज लोग थे ताकि इस एक्ट को रिव्यू किया जा सके। इंडियन लीडरशिप ने इसको चैलेंज किया और कहा कि हम एक कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, लेकिन इंडियन लीडरशिप कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाई। इसीलिए ही सर जॉन साइमन की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। उन्होंने भारत में प्रोविंसेस में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को रिकमेंड किया और ये रिकमेंड किया कि यूके गवर्नमेंट को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कॉल करने चाहिए ताकि इंडियन लीडर में कंसेंसस बिल्ड किया जा सके। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना सर जॉन साइमन की रिकमेंडेशंस के ऊपर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में बड़ी डाइवर्स पार्टिसिपेशन रखी गई। इसमें छोटी से छोटी पार्टी से लेकर बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, साथ में ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव और प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव से इनको रिप्रेजेंट करवाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इस तरह से साइमन कमीशन रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज और वाइट पेपर जो कि 1933 में पब्लिश हुआ उसके आधार के ऊपर पर इसको बनाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की मेन रिकमेंडेशन में फेडरल स्कीम ऑफ वर्किंग एमरजेंसी पावर्स और साथ में ऑर्डिनेंसेस डिफाइनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ फेडरल जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के सारे कंपोनेंट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कवर कर दिए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जो मेन कंट्रीब्यूशन ये है कि हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो 395 आर्टिकल्स हैं उनमें से 250 आर्टिकल्स को एज इट इज पिकअप कर लिया गया है और या उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की गई है। तो इसलिए हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पार्टिसिपेंट्स की तरफ आभार व्यक्त करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का फेडरल पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, इसी कारण 1934 में M.N. रॉय ने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन का आइडिया दिया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन की डिमांड 1935 में पहली बार रेज की। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंडर नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे, 296 मेंबर्स जो थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ब्रिटिश इंडिया थे, और जो 93 मेंबर्स थे ये प्रिंसली स्टेट से इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। दिसंबर 9, 1946 को फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया और B.N. राव जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लीगल एडवाइजर बनाया गया। और इसके बाद दिसंबर 13, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया और फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये फरवरी 1948 को पब्लिश हुआ, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई उसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अंबेडकर थे और उसके जो बाकी मेंबर थे वो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी आयंगर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, माधव राव, D.D. कृष्णा मचारिया जी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम पूरा करने के लिए कई और कमेटीज बनाई गई, और इन कमेटीज में जो यूनियन कमेटी थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर काम करती थी, और जो प्रोविंशियल कमेटी थी ये वल्लभ भाई पटेल जी के अंडर काम करती थी, फ्लैग कमेटी J.V. कृपलानी जी के अंडर काम करती थी, और फंडामेंटल राइट्स कमेटी जो थी ये भी वल्लभ भाई पटेल जी के अंडर काम करती थी, स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी के अंडर काम करती थी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी जो थी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अंडर, एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट वर्धाचार्य जी के अंडर,
एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अंडर और जो कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बी पटाबी सीतारमैया जी के अंडर काम करती थी। तो इन सभी कमेटीज ने ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ मिलकर काम किया। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नेहरू जी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जे बी कृपलानी, वरदाचार्य और पटाबी सीतारमैया जी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इनके अलावा और भी अनेक इंसानों ने भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की एवोल्यूशन में रोल प्ले किया और उनके बारे में मैं जो एक डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाऊंगा अगर व्यूअर्स का इस वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। धन्यवाद।